आज का टॉपिक हमारा है करंट डेंसिटी। कल के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक करंट आप समझ चुके होंगे, इट इज जस्ट रिप्रेजेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है, लाइक जैसे हम कोई मटेरियल वायर लें, वायर का लेंथ हो गया, वायर का वॉल्यूम हो गया, या मास और वॉल्यूम की हम लोग बात करें, लेंथ की बात करें, तो ये जो होती हैं ये किसी सब्सटेंस या वायर का पूरा ओवरऑल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। मास अगर हम लेंगे तो पूरे वायर का लेंगे, लेंथ अगर हम लेंगे पूरे वायर का लेंगे, वॉल्यूम हम लेंगे पूरे वायर का लेंगे, तो दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये पूरे वायर के क्रॉस सेक्शन में कंसिडर की जाती है। आज हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये किसी वायर के किसी पॉइंट पर देखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज के अलोंग लिया जाता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड था, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन था, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी थी, और वेक्टर एडिशन को अगर फॉलो करता तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाता। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसी वायर के किसी पॉइंट पर दी जाती है। तो करंट डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, क्या है। देखो मैं एक वायर यहाँ बनाया हूँ, इस वायर के किसी पॉइंट पर अगर हमको करंट डेंसिटी देखना है, देखिए करंट डेंसिटी इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, करंट डेंसिटी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसी वायर के किसी पॉइंट पर ली जाएगी। द करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, द करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया ड्रॉ अराउंड दैट पॉइंट। अगर मुझको इस पॉइंट पर करेंट डेंसिटी चाहिए तो मेरे को इस पॉइंट पर, पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक एरिया ड्रॉ किया, एरिया ड्रॉ किया, ठीक है। अब एरिया ड्रॉ करने पर हमने क्या करना है कि जिस डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर हमने ये लिया, तो मान लेते हैं कि करंट भी यहीं को फ्लो हो रहा है, करंट आपका यहीं को फ्लो हुआ आई, तो इस पूरे एरिया से कितना करंट पास हुआ है आई, तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए कितना इस पॉइंट पर करंट है, इस पॉइंट, इस पूरे एरिया में कितना करंट है अपॉन पूरा एरिया, तो ये क्या बन गया आपका करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है, और इसका डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाएगा करंट के चार्ज के अलोंग। चलिए आप एक काम करते हैं, ये वायर में इस पॉइंट पर एरिया कितना है ए, मान लेते हैं करंट कितनी है आई, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी, इस पॉइंट पर भी करंट डेंसिटी कितना होगा आई अपॉन ए। अगर मैं इस वायर को तिरछा काट दूँ, इस तरीके से हम इसमें तिरछा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से ले लें, तो अब वायर तिरछा कट गया तो करंट जो पहले था, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी करंट यही फ्लो होगा। अब वायर तिरछा कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं करंट भी तिरछी जाएगी, करंट अब भी जिस तरीके से पहले फ्लो हो रहा था आई, करंट अब भी उस तरीके से ही फ्लो होगा आई, लेकिन एरिया अब आई के अलोंग नहीं है, तो एरिया आई के अलोंग नहीं है, तो भाई हमने इस एरिया के दो कंपोनेंट करते हैं, थीटा लिया, तो ए का जो कंपोनेंट थीटा के अलोंग आएगा ए कॉस थीटा, ए का दूसरा कंपोनेंट जो थीटा के अलोंग आएगा ए साइन थीटा, तो इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है ए कॉस थीटा, तो इसका ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये रहा, ये हमारा ए कॉस थीटा हो गया अगर मैं इसको लूँ, और जो ए का इस एरिया का दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये होगा, ये होगा आपका ए साइन थीटा। देखिए इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट कौन सा है ए कॉस थीटा, यहाँ को लेंगे ए साइन थीटा कहाँ को आएगा नीचे को, तो अब आप नोटिस कीजिए कि जो आई है ये आई इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, ये आई इस एरिया के कंपोनेंट ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, ये आई इस एरिया के ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, जबकि ए साइन थीटा वाले के पैरेलल है, यानी कि ए साइन थीटा में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब ए साइन थीटा यहाँ पर काउंट नहीं होगा, केवल एरिया का वो कंपोनेंट पास होगा जिसके परपेंडिकुलर करंट है। करंट किसके परपेंडिकुलर है ए के, यहाँ पर एरिया ए था, करंट कितनी थी आई, और आई इस एरिया के परपेंडिकुलर, तो हमने सीधे आई को इस ऐसे डिवाइड दे दिया, यहाँ पर हमने वायर को तिरछा काटा तो एरिया वेक्टर जो रहा वो इस आई के अलोंग नहीं है, हमने इस ए के कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा एरिया, ये जो ए कॉस थीटा का जो एरो है दिस इज रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, इसका जो प्लेन है वो ये है, ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉस थीटा, डायरेक्शन ये है, इसका दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा, जबकि इसका डायरेक्शन ये आएगा, ये ए साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है, तो आई ए साइन थीटा के पैरेलल है, वो
करेंट डेंसिटी में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, ए कॉस थीटा। तो इन दिस केस आई इज इक्वल जे इक्वल टू, जे इक्वल टू करेंट तो आई लेंगे लेकिन एरिया कितना लेंगे, ए कॉस ऑफ थीटा। चलिए इसको यहाँ भेजते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, जे इन टू ए कॉस ऑफ थीटा। अब नोटिस कर देखिए, करेंट डेंसिटी किसी पॉइंट में लिया जाएगा, करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज के अलॉन्ग, पॉजिटिव फ्लो ऑफ चार्ज के अलॉन्ग लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब आई तो इसके लिए रहें, अब देखिए जे कौन है, वेक्टर, ए कौन है, वेक्टर। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आ रही हो क्या आ रही है, स्केलर, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आई इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं जे डॉट ए, तो इट इज करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, देखिए एट ए पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक करंट पूरे वायर का चेक किया जाएगा, जैसे मास अगर हम लेंगे तो पूरे वायर का लेंगे, ठीक है ना। अगर इसी मेटल की डेंसिटी लेनी होती किसी पॉइंट पर लेते, इन द सेम वे अगर हमको करंट लेना है तो पूरे वायर का लेना है, करंट डेंसिटी लेनी है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेनी है। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया draw around that point। डायमेंशन यूनिट निकालना अब हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग 11th में सीख चुके हैं। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए ये करंट डेंसिटी हो गया। अब हम एक नया इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से कोई एक वायर है, एक वायर हमने इस तरीके से लिया, तो अगर मुझको इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए, देखो आप इस वायर में करंट मान लीजिए कितनी आई 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 आई, तो इस वायर के इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए, तो इसमें इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी, इस पॉइंट के चारों तरफ जो हमने यूनिट एरिया ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी ये रही। अगर मुझको इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए तो भाई मैं यहाँ पर एरिया खींचूंगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहा, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी ये रहा। अगर मुझको यहाँ पर करंट डेंसिटी चाहिए तो मुझको इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अलग है, और यहाँ पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अलग है। चलिए एक चीज़ समझते हैं हम लोग, जैसे मैं क्या कहूँ कि भाई मैंने तीन वायर लिए, एक वायर मैंने ये लिया, एक वायर मैंने यहाँ पर ये लिया, दो वायर। अब मान लीजिए कि इन दो वायर से मिलकर एक नया वायर बन गया ये। अब देखिए करंट डेंसिटी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर डिस्टेंस कैसे फॉलो हो रहा है, ये हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई वन है, यहाँ से करंट आई टू है, तो यहाँ करंट आई वन प्लस आई टू होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर हम करंट डेंसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी जो होगा वो होगा आपका जे वन, जे वन मान लेते हैं इस एरिया के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जे टू, ये J1 और ये J2। अब यहाँ पर हमको करंट डेंसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पर करंट डेंसिटी लूँगा और ये होगा आपका J। अब जो इस J का वैल्यू आएगा वो इस J1 जो इस पॉइंट में करंट डेंसिटी था, J2 जो इस पॉइंट में करंट डेंसिटी है, के वेक्टर सम के इक्वल होगा, जबकि नेट करंट जो यहाँ पर आई होगी वो आई आई1 प्लस आई2 के स्केलर सम के बराबर होगी, जबकि इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगा वो J1 और J2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे, यानी करंट डेंसिटी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया करंट डेंसिटी, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, पूरे सब्सटेंस का चेक होगा, पूरे वायर का चेक होगा। करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया ड्रॉ अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी चाहिए तो आई जे इक्वल टू आई अपॉन ए, यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालना था, समझ गए ना, जे इक्वल टू, अगर एरिया ऐसा होगा तो एरिया वेक्टर ये रहा, ये करंट है, तो हमने ए के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट थीटा कह लो, एक कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा जो एरिया वेक्टर है वो इस एरिया के लिए है, ए साइन थीटा जो एरिया वेक्टर है वो इस एरिया के लिए है, और जो आई है वो ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, जबकि ए साइन थीटा के बिल्कुल पैरेलल हो गया। मतलब इस एरिया का ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट करंट डेंसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, केवल ए कॉस थीटा कर रहा है। इसलिए हमने कितना लिया, जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, या आई इक्वल टू जे डॉट ए। जे कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, ए कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, बीच में क्या लगा, डॉट, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, करंट डेंसिटी। चलिए एक टॉपिक ये हो गया। अच्छा करंट डेंसिटी का बेसिक यूज कहां पर है, मान लेते हैं कि एक कोई है,
क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर करंट का वैल्यू अलग 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 पॉइंट में करंट डेंसिटी अलग अलग है। अच्छा, इसके किसी पॉइंट पर आपको करंट डेंसिटी दिया और आपसे पूछा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू टोटल एरिया। अब करंट डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। हमने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, एलिमेंट्री एरिया, जैसा हम गॉस लेमा लेते थे, तो इसका एरिया वेक्टर मैंने जो यहाँ पर लिया वो लिया डीए। डीए मैंने एरिया वेक्टर लिया। मान लेते हैं कि करंट यहाँ पर कितनी है, करंट यहाँ पर आई है करंट। अब ये एरो करंट के चार्ज के फ्लो को बता रहा है, डायरेक्शंस का मतलब ये नहीं कि आई वेक्टर है। तो यूनिट वर्टिक, अच्छा मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी है जे, इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी है जे। एंड व्हाट इज जे रिप्रेजेंट? जे रिप्रेजेंट हाउ मच करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है वो जे दिखा रहा है। तो जे इस पॉइंट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना करंट, इसको जे मान लेते हैं, हटाइए करंट डेंसिटी मान लेते हैं, तो जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मच करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। इस पॉइंट के यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है, तो इस डीए से कितना पास होगा, यूनिट एरिया से कितना पास हुआ जे, तो इससे कितना पास होगा डॉट डीए। तो जे डॉट डीए क्या है, जे डॉट डीए इस छोटे से एरिया से पास होने वाला करंट हो गया। अगर इस पूरे से करंट लेना है तो वो कितना होगा, वो होगा आपका आई। अच्छा, अब इतने से हमको निकाल, इतने से हमको पता लग गया जे डॉट डीए। अगर इस पूरे से हमको निकालना है तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीए क्या है, एरिया वेक्टर, तो कौन सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन। किसका है सरफेस इंटीग्रेशन, जे डॉट डीए। अगर मैं जे डॉट डीए करता हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन करता हूँ इस पूरे एरिया के अलोंग, तो वो इस पूरे के पूरे एरिया से पास होने वाले करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज करंट डेंसिटी।